तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आज हम आपको बताएंगे लुटरू महादेव के बारे में। तो हम पहुंच चुके हैं लुटरू और आप देख सकते हैं अंदर का दृश्य कितना शानदार ये है। यहाँ पर कुछ कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर नीचे जो शिवलिंग है और साथ में ही बजरंग बली की मूर्ति भी है। तो हम गए थे आज लुटरू, तो सोचा है कुछ व्लॉग बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना शानदार नज़ारा जो यहाँ का है, और भी साइडों में भी यहाँ पर लाइट्स जो बंद थी, और काफ़ी श्रद्धालु जो यहाँ पर है प्रतिदिन आते हैं, और आजकल तो सावन का महीना है तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देख सकते हैं आप लाइट्स यहाँ पर जो लगाई है, बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मत्था टेका और फिर हम हो गए यहाँ से वापस। तो हम आपको बताते हैं अब यहाँ पर नीचे का रास्ता। तो यहाँ पर सीढ़ी जो है हम उतर रहे हैं, और साथ में ही यहाँ पर पुराने बाबा जी की जो मूर्ति भी है जिन्होंने समाधि ले ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये देख सकते हैं मूर्ति अंदर बाबा जी की। तो इसी बात पे बोल दीजिए हर हर महादेव, और नीचे का नज़ारा अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर साथ में ही। ये देख सकते हैं आप काफ़ी धूप यहाँ पर आज दिन में। ये देख सकते हैं एक और यहाँ पर बाबा जी की मूर्ति जो लगाई है, और यहाँ ऊपर की और भी कुछ है, चलिए आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर खड़ावे जो है रखी हुई है, अगर आपको दिख रही है ढंग से, और अंदर भी कुछ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप बाबा जी की है ये, और इसके अंदर भी है आप। और थोड़ा नज़दीक से मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं आप, और थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अंदर कुछ रखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापस, और बताते हैं आपको और नज़ारा कि कैसा यहाँ पर लुटरू महादेव जो है दिखता है। जिनको यहाँ पर नहीं पता है कि लुटरू महादेव कहाँ है, तो यह अर्की में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, नियर बाई शिमला। और देख सकते हैं आप, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों यहाँ पर आए हैं, और एक बार फिर से हम जो है सीढ़ी उतर रहे हैं यहाँ पर। तो ले चलते हैं आपको यहाँ पर बाहर, जहाँ से पूरा अर्की दिखता है। काफ़ी सुंदर यहाँ का दृश्य, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है इसको यहाँ पर डेकोरेट किया है। बहुत सारी किताबें जो यहाँ पर हमारे को दिखी, जो सूखने के लिए डाली थी धूप में, ये देख सकते हैं आप काफ़ी सारी। और हमारे को एक पेज दिखा तो हमने सोचा इसे उठा लेते हैं, अरे हमने इसको उठाया और यहाँ पर इसको सूखने के लिए रख दिया। देख सकते हैं आप, अब बताते हैं, यह देखिए आप यहाँ पर नीचे का नज़ारा थोड़ा, और थोड़ा ऊपर का। यहाँ पर उल्लंघन करने वाले को 500 रुपये जुर्माना, जो भी पार्क में यहाँ पर बगीचे में जाएगा उसको 500 रुपये जुर्माना होगा। और यहाँ पर हर साइड कैमरे लगे हुए हैं। और अब बताते हैं अब हम आपको आई लव लुटरू महादेव कहाँ लिखा है यहाँ पर। तो हम चढ़ रहे हैं कुछ सीढ़िए, देखते रहिए ध्यान से आगे, आपको और भी कुछ लाजवाब दृश्य हम बताएंगे। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा ऊपर से लुटरू महादेव का नज़ारा। यहाँ पर एक और जो बाबा जी की समाधि है शायद इधर, यहाँ पर लिखा है, ये देख सकते हैं आप समाधि स्थल। यहाँ पर भोले बाबा जी का ये स्टैचू है, देख सकते हैं कितना अच्छा जो बगीचा यहाँ पर है, फूल ही फूल यहाँ पर चारों तरफ, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाया गया है इसको। पिछले 1-2 सालों में इसको बहुत ही अच्छा यहाँ पर डेकोरेट कर दिया गया है। अब आपको ऊंचाई से बताएंगे हम नीचे अर्की का दृश्य कैसा यहाँ से दिखता है। तो ये देख सकते हैं आप पूरी अर्की जो है यहाँ से दिखती है, कितना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से टाटा स्काई भी लगी हुई है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर पर्याय लव लुटरू महादेव, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर रोज आते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं यहाँ पर लुटरू महादेव को। अरे बाबा जी यहाँ पर इनकी जो समाधि स्थल जो है इधर है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर और भी नज़ारा आपको बताते हैं अभी। तो चलते हैं थोड़ा दूसरी तरफ, तो ये देख सकते हैं आप इधर बैक साइड का नज़ारा, यहाँ से बताते हैं आपको एक बार फिर से।
ऊपर बहुत ही शानदार फूल लगाए हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप आई लव लुटरू महादेव, कितना खूबसूरत यहाँ पर जो ये लग रहा है। और नेचर की का दृश्य, और थोड़े थोड़े बादल और थोड़ा धूप, थोड़ा बारिश का मौसम, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार फूल जो यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और चलिए चलते हैं लुटरू महादेव की तरफ, कैसा ये यहाँ पर है। और यहाँ से ऐसा कुछ दृश्य दिखता है जो लुटरू का नीचे का है और ऊपर का। यहाँ पे ऊपर गुफा भी है जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है। तो देख सकते हैं आप, अब हम चलते हैं यहाँ से वापस, हम आ गए हैं नीचे और चलते हैं नीचे की ओर, बताते हैं आपको नीचे का दृश्य कि कैसा जो है ये नीचे से दिखता है। तो चलते हैं, देखिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो को। लुटरू महादेव का पूरा एक चक्कर जो है हम इसमें आपको बता देंगे। और यहाँ पर प्रसाद हमारे को जो दिया है, ये टॉफ़ी दी है, और भी यहाँ पे कई श्रद्धालु आए हैं, तो हम प्रसाद लेके आ गए हैं वापस। तो चलो चलते हैं, किसी को भी यहाँ पर बिना प्रसाद के वापस नहीं भेजते। और यहाँ पर हवन वगैरह जो कराया जाता है ऊपर, जो भी अभी आपने देखा। और यहाँ से आ गए हैं हम नीचे, तो बताते हैं आपको। और यहाँ पर हमारे को मिल गई एक बिल्ली, जिसको बोलते हैं हम कैट। और एट लास्ट हम पहुँच गए अपने स्थल पर। यहाँ पर बाबा जी भी आगे से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और एक और यहाँ पर बताते हैं हम आपको नीचे से कैसा दिखता है लुटरू महादेव। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कारीगरी जो है, जिस किसी ने की है, बहुत ही लाजवाब कारीगरी की है। ऐसा दिखता है ऊपर को लुटरू महादेव, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर शेषनाग भी है। तो इसके बाद हम आ गए यहाँ से वापस, और तब हम चले गए कैल्विन पिज़्ज़ा के पास, और वहाँ पर पिया हमने शेक। तो बताते हैं आपको, देख सकते हैं शेक आई लवर की। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।